हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रेडियल फिजिक्स वाली आसिम मुश्ताक। इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ी बात कर लेते हैं। रिवीजन सीरीज हम लोग चला ही रहे हैं और एक और सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीट एग्जाम है वो पूरा का पूरा, नीट या आईआईटी जो एग्जाम है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड है। यानी एनसीईआरटी चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, इन तीनों के लिए एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। तो एनसीईआरटी कवर करना जरूरी है। जैसे हम जो टॉपिक आपको पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एनसीईआरटी पूरी लेकर के चलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं एनसीईआरटी में जो हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, एक डेढ़ महीने का आपके पास टाइम है तो हम पूरी एनसीईआरटी को आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, पॉइंट टू पॉन्डर सीरीज। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो देखा होगा कि हर चैप्टर के लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो, और उनको बोला जाता है पॉइंट्स टू पॉन्डर। ठीक है, हर चैप्टर के अंदर 5 से लेकर के 6 पॉइंट दिए होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो इससे रिलेटेड हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर इसका कवर करते चलेंगे। एनसीईआरटी के जितने पॉइंट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन पॉइंट्स टू पॉन्डर के ऊपर फ्रेम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी के अंदर बॉक्सेस दे रखे हैं बीच बीच के अंदर, इंपॉर्टेंट कुछ उसके अंदर चीजें इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिन पे कभी कभी थ्री के सवाल फ्रेम हो जाते हैं, तो उनको भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अब से हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर सीरीज, जिसकी डेली डेली एक एक वीडियो चैप्टर के हिसाब से आती रहेगी। ठीक है, इसको आप देखते रहे थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी के अंदर जो भी मतलब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो उसमें इनका बहुत रोल है, तो इसको हम कवर करेंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये एनसीईआरटी की जो भी थ्योरी है, थ्योरी के चैप्टर की जो भी थ्योरी लिखी है तो उससे थोड़ा अलग होते हैं, तो इनको हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो इससे जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नई जो भी वीडियो यहाँ पर आए वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।